एडेन उदयपुर न्यूज की मुहिम एक दिया पिछोर के नाम आज आखिरकार रंग लाई और हमारी इस मुहिम को रंग लाया यहाँ शहरवासी काफ़ी पहुँचे हैं, झील प्रेमी पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि दीप जलाने के बाद पिछोलक के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ खड़े हैं अभी हनुमान घाट पर, यहाँ पे काफ़ी लोग जो क्षेत्रवासी है यहाँ के जो झील प्रेमी उनसे पूछेंगे कि पिछोलक के लिए आप क्या सोचते हैं और कितने साल से पिछोलों का पास आप रह रहे हैं और इस पिछो के लिए जो सीवरेज लाइन अंदर पड़ी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हम क्षेत्रवासी यहाँ हम चांदपुल में रहते हैं और हम करीब 30 साल से इस झील में हम पहले स्नान करते थे और यहीं से पानी भर के हम घर पे ले जाते थे और उससे खाना बनाते थे, पीते थे। आज इस झील के पानी की ये हालत हो गई है कि हम पानी पीने तो दूर पास बैठ भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। तो जितने भी टूरिज्म आते हैं तो बोलते हैं आपकी झील है या आप ये गटर का नाला है ये। तो यहाँ जितने टूरिज्म एरिया है उन सबको भी नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ जितने टूरिस्ट आते हैं तो सभी सोचते हैं बदबू आती है, वो रुक नहीं पाते हैं। और उन सबसे हम यही कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है, कर रही है, हम आश्वासन देते हैं उनको, तो वो तो चले जाते हैं 4 दिन बाद। तो हमारा यही निवेदन प्रशासन से है कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी इस झील के लिए कुछ करो ताकि टूरिज्म बढ़े। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, इस झील में जो गंदगी फैल रही है कई सालों की, क्योंकि यहाँ की जो निगम बोर्ड भी है इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए या नहीं किए, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये मेन सीवरेज का काम है, वरना पहले तो हम जब स्विमिंग वगैरह करते थे सारी जने उद्योग चांदपुल के बच्चे जनरली आप स्विमिंग के देख लीजिए, स्टेट नेशनल डिस्ट्रिक्ट सारे वही पार्टिसिपेंट करते थे और यही करते थे, कोई पूल वगैरह नहीं होता था। तो पहले झील अच्छा था, सीवरेज के बाद में सारा दिन पे दिन पानी सारा ख़राब हो गया और सीवरेज की दूर। एडेन उदयपुर न्यूज़ की जो ये मुहिम है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, हम सोचते हैं कि आपने ये मुहिम चलाई है तो इसके लिए क्या है कि सारे क्षेत्रवासी एकजुट होकर आपका साथ देंगे और हमें आशा है कि हमारी ये झील आप अच्छी रखोगे तो हमारे यहाँ लोग बाग बैठ सकते हैं, टूरिज्म आ सकता है और लोगों को रोज़गार मिल सकता है। हमारे साथ यहाँ पर इस समय इस क्षेत्र की काफ़ी बुजुर्ग महिला भी है, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे कि झील के बारे में वो क्या सोचते हैं, झील को स्वस्थ रखने के लिए साफ रखने के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे। जी भाई जी, आप कुछ महिला हमारे साथ है, आपका नाम बताओ। मैं मीरा देवी। बोलो। नाम बताओ। मीरा देवी। आप कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ रहते हम हो गया ना अंदाजन 60 अभी तो ऐसे गंदी हो रही है ना। क्या कारण है इसका? मेरे को पता नहीं, बोलने ही नहीं आता मेरे को। गंदगी क्या? चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बोल पा रहे हमारे साथ अभी समय, और भी कुछ महिला है उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं इस पिछोला झील के बारे में क्या बताएंगे। मेरा नाम रेखा कुमावत है। मैं ये सोचती हूँ कि झील का गंदे होने के कारण सबसे प्रमुख कारण है ये झील में जो सीवरेज लाइनें डाली हुई है, इससे बहुत गंदी हो रही है झीलें और इससे हमारे जिनको भी रोज़गार मिल रहा है उनको भी ये नुकसान हो रहा है। पहले से ही तो कोरोना की वजह से बहुत सारा रोज़गार छिन गया लोगों से, लेकिन जो झील की वजह से टूरिज़्म की वजह से जो रोज़गार मिल रहा था लोगों को वो भी इससे नुकसान में जा रहा है। बिल्कुल सही बात की इन्होंने। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी जेंट्स हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जो बोलेंगे उनसे ज़रूर बात करेंगे हम। जी आपका नाम बताइए। सर जी, मेरा नाम गोपाल जोशी है और उदयपुर ये चांदपोल भिंडर केवली क्षेत्र से बचपन से ही हमारा यहीं है और झीलों से तो हमारा मोह मतलब मछली की तरह रहा है। हमारा शुरू का बचपन का जीवन भी इसमें निकला, जिस समय बहुत ही अच्छा पानी पीने योग्य और मंदिरों में अर्पित करने का, और अभी ये हालत है कि सीवरेज का सारा पानी इसमें जितनी भी गटर है गंदगी है, यहाँ देखो आप मतलब निकलना मुश्किल था, पानी तो ख़राब होता ही है, लेकिन इसके लिए अच्छी मुहिम है, यदि यह सक्सेस हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरा गवर्नमेंट एडीएन उदयपुर न्यूज़ की मुहिम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है और हमारा सबका सहयोग आपके साथ है, मुहिम में सफल हुए बस। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे क्या सोचते हैं झील के बारे में उनसे हम पूछेंगे, कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ के। आपका नाम बताओ। यह चामेटा। हाँ, मतलब हम मतलब चांदपोल के निवासी हैं, मतलब हम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहले तो मतलब पीने जैसा मतलब ऐसा साफ पानी था, अब यहाँ के मतलब ये सीवरेज के मतलब ये गंदगी से मतलब पानी में मतलब जाता है, मतलब कांजी वांजी ये सब ऐसे हो गई है, मतलब पीने जैसा भी नहीं रहा है पानी, ऐसे कचरा वचरा सब आता है पानियों में। तो हम यही निवेदन करते हैं कि मतलब सब साफ़ सुथरी झील रहे और आने वाले
मतलब आने वाले दिनों में साफ सुथरी रहे और हमारा ये कहना है। आज आपने यहाँ पर क्या किया, पर दीप जलाया, क्या संदेश दिया जला गया? मतलब ये मतलब पिछोला के मतलब पिछोला मतलब ये गंदगी से मुक्त हो जाए और इससे गंदगी से मुक्त हो जाए और मतलब ये साफ सफाई जो मतलब सब साफ सफाई करके इस पिछोला में मतलब अच्छा मतलब ये चमका है और पिछोला को चमका। कुछ छोटे बच्चे हैं बिल्कुल 6-7 साल के, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं जिले के बारे में। जी बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है शिवनन्नी कुमावत और यहाँ पे जो सीवरेज का पानी है उससे बहुत बदबू आती है और यहाँ पे कोई तैर भी नहीं पाता है, इसके वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। हमारे उदयपुर में जितनी भी झीलें हैं वो सब साफ रहे और कभी भी यहाँ पे कोई भी बीमारी ना आए। जी, तो सुना आपने, 6 साल की बच्ची भी एक संदेश दे रही है सरकार से, जिला प्रशासन से, नगर निगम से और UAT से और संबंधित विभाग से कि इन झीलों को साफ करने के लिए हर प्रयास करने चाहिए। एडियन उदयपुर न्यूज़ की मुहिम है एक शाम पिछोला का नाम, एक दिया पिछोला का नाम। अभी हम कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको, हनुमान घाट पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो घनकोर घाट है यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ जो दीपक जलाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग संख्या में लोग भी हैं और पिछोला के किनारे हमारे जो पंडित हैं 11 पंडित वो हवन यज्ञ भी कर रहे हैं और साथ ही दीपक जला के लोगों को, सरकार को, जिला प्रशासन को, नगर निगम को, UAT को और उन तमाम सारे संबंधित विभागों को संदेश देना चाह रहे हैं कि झील के अंदर जो सीवरेज लाइन है उसको जल्द से जल्द निकालें और सीवरेज मुक्त किया जाए। सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ कमल वसीटा, ADN उदयपुर न्यूज़।